नमस्ते जी, कैसे सब आप? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ राजपूत जॉन से। आपके लिए लेकर आया हूँ 275 गज में एक बहुत बढ़िया कॉर्नर हाउस। ये हमारा विला अभी रेडी टू मूव में हो चुका है। 5 BHK हाउस रहेगा और मोहाली की लोकेशन रहेगी SAS नगर मोहाली, ग्रेटर मोहाली सेक्टर 125 की। जो ये बना हुआ है एयरपोर्ट रोड की, जो हमारी एंटर जो एयरपोर्ट रोड है हमारा प्रॉपर, वहीं से इस विला के लिए एंटर करना है। 900 मीटर अंदर हमारी ये प्रॉपर्टी रहेगी, सेक्टर की प्रॉपर्टी। आसपास के विलास दिखा देता हूँ। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओल्ड सेक्टर पड़ जाता है, लुक वाले रोड बने हुए हैं। आसपास के जितने विलाज हैं 200 250 300 गज में बने हुए हैं। यह हमारा कॉर्नर प्लॉट है। जितने भी हमारे लगभग जो हम रेडी टू मूव में हो चुके हैं, जहाँ जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, सारी हमारे पास कॉर्नर ही अवेलेबल रहते हैं। प्राइस भी बहुत कम रहता है, औरों से और बिल्डरों से डीलरों से बहुत कम प्राइस में हम अपनी प्रॉपर्टी के रेट लेकर आते हैं। हमारी जब जैसे अभी रेडी टू मूव में हुई है, 10 to 15 days में तो साथ की साथ ही सेल आउट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपने इस वीडियो के लास्ट तक जाना है, क्योंकि मैंने अंदर से लेके फर्स्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर का जो सर्वेंट रूम, 1 BHK सेट है, हर चीज़ का टूर आपको कराऊंगा। और आपने सारी वीडियो देखनी है लाइव, बिल्कुल अपने घर पे बैठ के। अगर आपको अच्छा लगता है इसका स्पेशियस, इसकी कार पार्किंग एरिया, इसकी स्पेशियस बालकनी, फर्स्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर, आगे पीछे जहाँ पे भी बनी हुई है, और इसका पार्क एरिया, जो पार्क एरिया रहेगा वो भी हमारा इस विला के अंदर रहेगा। कॉर्नर साइड से भी दिखाऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट के सामने खड़े हैं तो फ्रंट की बात कर लेते हैं। टॉप फ्लोर पे फंडरमैक्स का काम आ जाएगा, प्रोफाइल लाइट का बहुत काम है यहाँ पे। छज्जों में जितनी लाइटिंग रहेगी वो सारी हैवल्स की रहेंगी। नीचे वाले छज्जों में भी, यहाँ पे भी प्रोफाइल लाइट का काम है। और स्टील ग्रिल ग्लास वर्क रहेगा, टफन, हार्ड टफन हमने स्टील ऊपर स्टील लगाई हुई है उसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए, और हमने पूरा हार्ड टफन का काम कर रखा है। और पेंट वर्क का भी काम रहेगा, एशियन का हमने प्लास्टिक पेंट यूज़ कर रखा है। टाइलें जो रहेंगी वो 3-4 types की रहेंगी। बीच में मैट टाइल है, ग्रे वहाँ पे क्रीम है, और यहाँ पे जो टाइलिंग रहेगी वो डार्क कॉम्बिनेशन में रहेगी। थोड़ा सा जब मैं अंदर की तरफ जाऊँगा तो टाइल की जो ग्रेस है जैसी लग रही है, दूर से तो ऐसा है कि लाइट ब्राउन डार्क ही नज़र आता है। तो हर चीज़ मैं आपको अच्छे से दिखाता जाऊँगा, आपने देखनी है। बाकी वुडन का बहुत ज़बरदस्त काम कर रखा है। इसका सबसे मेन चीज़ है इंटीरियर, अंदर से बहुत ज़बरदस्त है। इसका लेआउट बहुत बढ़िया, डिफरेंट बनाया है। इस बार कॉर्नर जो हमारा, अभी हमने 16 विले बेच दिए हैं आज तक 250 300 गज के, पर ये लेआउट बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना है। सबसे पहले कॉर्नर में चलते हैं, कॉर्नर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दी है कि आसपास के जो इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, यहाँ पे कॉर्नर है तो सारे लुक वाले रोड बने हुए हैं, सारे हाउसेज कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। और ये हमारी कॉर्नर साइड रहेगी, इधर से प्रॉपर देख सकते हो आप। आपके घर पे यहाँ पे रेल्टी वगैरह आ जाते हैं, अगर आपके 10 15 गाड़ियाँ लग जा मतलब आ जाती हैं इकट्ठी, तो यहाँ पे सिस्टम क्या रहेगा, आपके कॉर्नर पे जहाँ पे ये मेरी कार खड़ी है, यहीं पे आप कम से कम भी 7 XUV कार लगा सकते हो। सुडान कार, छोटी कार, आराम से आपकी 7 आ जाएंगी। आगे भी कॉर्नर है, कॉर्नर का ही हमारी बैक पे भी कॉर्नर प्लॉट है, अभी बना नहीं है। अगर बन भी गया तब भी हमारा सिस्टम यहाँ पे बन जाएगा पार्किंग वाला। और फ्रंट पे भी 2 गाड़ियाँ खड़ा सकते हैं, अंदर की मैं आपको पार्किंग दिखाऊंगा। अभी साइड लुक पे खड़े हैं तो साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टेक्चर का काम किया है, उसमें सारा टोटली जो वर्क आया है वो एशियन का है, ग्रे पेंट यूज़ किया है। यहाँ पे फंडरमैक्स का काम है और हार्ड टफन लगा रखा है, डिज़ाइनर लाइटिंग का काम है, वॉल्स लाइट का। और यहाँ पे जो पार्किंग रेलिंग की रहेगी, जो अंदर भी स्पेस दिखाऊंगा आपको कितनी ज़बरदस्त है, इसके अंदर जो रेलिंग के अंदर ये हमारा सारा ग्रीन एरिया रहेगा। यहाँ पे झूले लगा सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। बाकी कॉर्नर साइड बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, लाइटिंग इसका क्या बोलते हैं, टाइलिंग का, फंडरमैक्स का, हर चीज़ के डिज़ाइनिंग, और ये जितनी भी वेंटिलेशन है ना, सब हर चीज़ की हमने दे रखी है यहाँ पे। जो इसकी वेंटिलेशन है ये स्टेयर एरिया की रहेगी, क्योंकि स्टेयर एरिया अंदर से है स्टेयर, और बहुत साइड से हमने दी हुई है कि यहाँ पे रोशनी प्रॉपर रह सके, लाइटिंग का सिस्टम ना डे में ना करना पड़े। और ये ड्राइंग रूम की रहेगी वेंटिलेशन, ऊपर किचन की रहेगी, वो सामने सॉरी वो रहेगी पूजा रूम की, इधर किचन की रहेगी, पूजा रूम की आगे की तरफ भी है, और नीचे बेडरूम की रहेगी, वॉशरूम की रहेगी। बाकी बैक साइड पे यहाँ आगे वेंटिलेशन है सारी जो हमने बना रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना शांत, थोड़ा
थोड़ी बहुत जो गाड़ियाँ जा रही हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका सिस्टम रहेगा। बाकी सिस्टम सारा आपके सामने है, जो भी देख रहे हो आप। अंदर चलते हैं, एक बार अंदर जाके मैं आपको हर चीज़ विज़िट कराता हूँ। ये सामने जो हमारा रोड है, ये ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पे पार्क है हमारा साथ में बहुत बड़ा। जब कोई भी मेरा कस्टमर नया पुराना कोई भी देख रहा है, जब आएंगे विजिट करने आप, तो मैं आपको पार्क, इस सेक्टर के कम से कम 16 पार्क हैं जो हमारी इस प्रॉपर्टी के आसपास बने हुए हैं। और गुरुद्वारा मंदिर भी किलो किलोमीटर दूर है, सेक्टर में ही बने हुए हैं अंदर। सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ की बात, यहाँ की बात कर लेते हैं और यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे गटका डलवा के ऊपर हमने मतलब कंक्रीट डलवाया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊंचा किया रोड से बाहर के एरिए को भी। यहाँ पे आप अपनी एक्सयूवी कार खड़ी कर सकते हो, अभी हमारा पत्थर वगैरह पड़ा है, जब आप रहने लग जाओगे यहाँ पे भी अगर आपके ज़्यादा आ जाती हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, अंदर ही हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ये सब चीज़ें उनके लिए है, उनको बताने के लिए है, मतलब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रिलेटिव वगैरह आ जाता है तो क्या करना है। सबसे पहले ये देखो जी, मैंने इस छोटे गेट से इसलिए एंटर किया है, अगर बड़ा खोल देता तो आपको प्रॉपर यहाँ से आता तो कार पार्किंग एरिया छोटा लगना था, इसलिए मैंने छोटे गेट से एंटर किया। और कार पार्किंग स्पेस देखो आप कितनी ज़बरदस्त रहेगी आपकी, ये टोटली कार पार्किंग स्पेस है। यहाँ पे दो अनोवा, दो फॉर्चूनर आपकी आराम से खड़ी हो जाएगी। अगर आपने एक फॉर्चूनर अनोवा खड़ी करनी है तो यहाँ पे आपकी सुडान कार, वरना स्विफ्ट दो गाड़ियाँ भी लग सकती हैं। उसके बाद चले जाते हैं यहाँ पे पार्क एरिया जो हमारा कॉर्नर पे, बहुत बढ़िया। कम से कम भी ये मान के चलो आप, ये सारा एरिया 100 गज से ऊपर है, ये सारा एरिया यहाँ तक के पीछे तक, ये पार्क एरिया आपका स्पेशियस है। बाकी कॉर्नर साइड से जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ पे टाइलिंग का दिखाता जाऊँगा, कैसी टाइल लगी हुई है, ये आ जाएगी टेक्चर टाइल, ये फंडरमैक्स है, ये पेंट का काम है, ऊपर हमने लाइटिंग एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी टाइलिंग एंड पत्थर का काम है ग्रेनाइट का, इस स्टेयर एरिया ऊपर सारी वेंटिलेशन है, यहाँ पे जो रहेगा पेंट का काम है, फंडरमैक्स है, टोटल फंडरमैक्स का काम रहेगा प्रॉपरली। ये पहुँच चुके हैं अभी हम बैक साइड पे, ये देखो बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप दो झूले आप अपने कपड़े सुखाने के लिए भी लगा सकते हो। अगर आपने खाना खाया है सुबह शाम दोपहर, अगर आपने टहलना है तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप आराम से सैर कर सकते हो। टॉप फ्लोर का रूफ इतना बड़ा है, वहाँ पे भी आप आराम से सैर कर सकते हो। ये रहेगा सिस्टम हमारा, बहुत स्पेस है यहाँ पे। कम से कम ये है ग्रिल टू वॉल, मान के चलो आप 8 फिट की स्पेस है, ये 8 फिट है पूरे प्रॉपर चौड़ाई में। लंबाई में तो हमारा जो रहेगा इसका वो रहेगा 33x75 का रहेगा, जो साइज डायमेंशन रहेगी इसकी प्रॉपरली, और 275 गज रहेगा ये प्रॉपर। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको इसका इंटीरियर, बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले बात आ जाती है ये हमारे मेन डोर की, उससे पहले कर लेते हैं यहाँ की बात। ये हमने किचन का एरिया, किचन की वेंटिलेशन है सारा फंडरमैक्स के साथ हमने। यहाँ पे भी देख लो, ये पावर पैनल है, और ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का अलग है, टॉप का अलग है। उस पे भी हमने टीक का वर्क करा के बीच में सरमाइके की पट्टी है पॉलिश करके प्रॉपर। ये सारा फंडरमैक्स का काम है, वुडन का काम नहीं है। अगर यहाँ से ऊपर हम फेस उठाते हैं तो हमारा ये लग्जरी विला और ज़्यादा लग्जरी लगता है पास से, बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्रोफाइल लाइट है, ये सारी ब्रांडेड है, 5 साल की वारंटी है हैवल्स की, जितनी प्रोफाइल लाइट लगी हुई है अंदर, और सारी हैवल की रहेगी। यहाँ पे ऊपर वेंटिलेशन है प्रॉपरली, नीचे रहेगी ये वाली। ये हमारा MPT हमारी लगी हुई है टोटल इसमें कोठी में, और सब पे पॉलिश रहेगी प्रॉपरली। ये ग्लास की वेंटिलेशन है, जाली का दरवाज़ा है, और इसका रहेगा हाइट 9 फिट पे ये हमारा डोर रहेगा। चुगाठें सारी रहेंगी हमारी 9 इंची। जाली के दरवाजे की फिनिशिंग देखो, पॉलिश सारी सिरका की पॉलिश है, PU की, PU सिरका की पॉलिश रहेगी, टोटली ग्लॉसी रहेगी। डोर देखो कितना ज़बरदस्त है। थोड़ा सा पहले इसको यहाँ पे रखते हैं, ये देखो डोर की क्वालिटी चेक करो। मेन एंट्रेंस के डोर से लेके जितने भी हमारे डोर रहेंगे वो बढ़िया ही रहेंगे, सिस्टमाइज रहेंगे, ऐसे ही बने हुए, डिज़ाइनिंग रहेगी अलग अलग, क्वालिटी सेम रहेगी, क्वालिटी में कोई हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
एंटर करते हैं यहाँ पे, वो देखा झूमर है अपने ऊपर, यहाँ पे भी झूमर है, यहाँ पे भी झूमर है, स्टेयर एरिया में भी झूमर रहेगा। तीन कोठी में प्रॉपर तीन झूमर लगे हुए हैं। ऊपर की बात में करेंगे, बात यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने छोटी लाइटिंग की हुई है जो जिसमें एसी पंखे भी हैं। ये वैसे एसी पंखे हैं और राउंड शेप में हैं, जब इसको ऑन करते हैं तो ये एसी पंखे चल जाते हैं और बीच में लाइटिंग रहेगी। यहाँ छोटा सा हमारी लाइटिंग का रहेगा, प्रोफाइल लाइट का, ऊपर प्रोफाइल लाइट लगी हुई है सीलिंग के बीच में, और टीक का वर्क है, पॉलिश का काम रहेगा। जो मैंने बताया आपको, जितना पेंट का वर्क है, चाहे वो सीलिंग का हो वॉल्स का हो, वो टोटली आपका एशियन का रॉयल पेंट का रहेगा। स्पेस बहुत बढ़िया रहेगी, देखो स्पेस देखो। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो सामने बहुत बड़ी विंडो आ जाती है। ये ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन है, जब आप आओगे आपको और भी ज़्यादा बड़ी लगेगी। ग्लास हार्ड टफन हमने लगा रखा है, साउंड प्रूफ है सारा, बाहर का शोर वगैरह कुछ नहीं आएगा। अगर इस वीडियो में थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो मैंने मेन एंट्रेंस का डोर खोल रखा है। यहाँ पे आपका ये लाइटिंग आ जाएगी और पंखे आ जाएंगे, लाइटिंग वाले पंखे आ जाएंगे दो, और बीच में ये एक प्रोफाइल लाइट है। यहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी इधर प्रॉपरली, हैवल्स की लाइटिंग, स्प्लिट एसी की प्रोविजन है। यहाँ पे ये टेक्चर है, टेक्चर डार्क में कर रखा है हमने, वेंटिलेशन है, यहाँ पे भी कॉर्नर है तो आपको पता ही है। सामने यहाँ पे बहुत बढ़िया ये एल शेप में एक, जिसको बोलते हैं, एक पैनल आ जाएगा जो ड्राइंग रूम पैनल रहेगा, डिज़ाइनर रहेगा सारा। बीच में हमने पॉलिश का वर्क कर रखा है इसके बीच में, देख सकते हो आप, और बीच में ये वैसे ही बीडिंग का काम है जो ग्रिल रहेगी, और सारा पॉलिश का काम रहेगा, लाइटिंग रहेगी बीच में, पॉलिश रहेगी, हर चीज़ रहेगी, देख सकते हो आप। यहाँ पे भी ये कॉलम है, ये कॉलम है, ऊपर भी कॉलम निकाला हुआ है, कॉलम को हमने टीक प्लाई लगा के पॉलिश की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आ गया हमारा डाइनिंग का एरिया जो बहुत स्पेशियस रहेगा, बहुत बढ़िया खुला है। यहाँ पे 6 सीटर, 10 सीटर, 12 सीटर आप आराम से यहाँ पे टेबल लगा सकते हो। फॉल सीलिंग के डिज़ाइनिंग आपको हर एरिया में अलग अलग देखने को मिलेगी, ड्राइंग रूम में अलग रहेगी, यहाँ पे डाइनिंग के एरिया में झूमर देखो, डायमंड टाइप झूमर लगा रखा है। ये सारे कंपनी के झूमर हैं और इसकी 10 ईयर वारंटी है, उस ऊपर वाले लाइटिंग वाले झूमर की उसकी 5 ईयर है, स्टेयर वाले एरिया में भी 5 ईयर है, इसकी 10 ईयर रहेगी। ये सारे कंपनी के झूमर रहेंगे। यहाँ पे हमारा मॉलर किचन आ जाएगा जो प्रॉपर पूरी यू शेप में, नहीं ओ शेप में मिलेगा आपको। बस ये हमारी मेन एंट्रेंस जाने की है इसके अंदर, नहीं तो यहाँ से भी ये कवर हो जाता अगर थोड़ी बहुत एंट्रेंस कहीं और से छोड़ी होती तो। यू शेप में नहीं है, पूरी राउंड शेप में है। ये आपको ब्रेकफास्ट टेबल मिल जाएगा यहाँ पे। मॉड्यूलर किचन सारी हमारी गोदरेज की बनी हुई है, ऊपर हार्ड टफन लगा रखा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्बल लगा रखा है, रेडीमेड मार्बल, यहाँ पे भी आपको मार्बल मिल जाएगा। फाइबर की आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी, चिमनी मिल जाएगी, ऊपर सारा काम देखो आपका, पूरा ज़बरदस्त काम करा रखा है। जैगुआर की यहाँ पे आपको टैप्स मिल जाएंगी सारी। ये ब्रेकफास्ट टेबल है, अंदर से है इसका, ऊपर भी रहेगा, वेंटिलेशन बहुत बड़ी वेंटिलेशन है मॉड्यूलर किचन की। यहाँ पे सारा आपको दे रहे हैं, उधर भी चूल्हा मिल जाएगा, इधर भी चूल्हा मिल जाएगा, दो दो मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे ये कबर्ड्स हैं सारे, अंदर भी माइक का वर्क रहेगा, ये स्विचेस वगैरह सारे हैवल के रहेंगे, हैवल के रहेंगे सारे। प्रोफाइल लाइट है बीच में भी लगी हुई, बढ़िया काम किया हुआ है। यहाँ पे एलईडी पैनल है, देख सकते हो आप, ये स्क्रीन भी बीच में दे देंगे। अभी ये वैसे ही हमने लगा रखी है, कैमरे वगैरह लगा रखे हैं, और यहाँ पे आपको ये शंक मिल जाएगा स्टेयर एरिया के नीचे, डाइनिंग के बिल्कुल साथ में, ये डाइनिंग का एरिया है, बिल्कुल साथ में आपको ये मिल जाएगा, शंक मिल जाएगा। और यहाँ पे तो ग्लास शुरू हो जाता है, 2 मंजिल है पूरा, ऊपर तक बनी हुई जुगाट। और ये आपका जो स्टेयर एरिया रहेगा सारा वुडन का रहेगा प्रॉपरली। अब चलते हैं दोनों बेडरूम में, ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम बने हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 बेडरूम रहेंगे, पूजा रूम रहेगा, स्टोर रहेगा, हर चीज़ रहेगी, साथ की साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले सीलिंग का डिज़ाइन देखो, और किचन की सीलिंग भी आपको ऐसी मिलेगी, यहाँ पे सीलिंग बहुत बढ़िया मिलेगी आपको,
लाइटिंग के साथ, प्रोफाइल लाइट के साथ। सामने आपको वॉलपेपर मिल जाएगा, वॉल लाइट मिल जाएंगी, जितना भी कुछ हमने लाइटिंग लूटिंग सब चाहिए जो होती है, डिज़ाइनर लाइटिंग है, ये भी सारी कंपनी की रहेंगी, ये चाइनीज वगैरह कुछ भी नहीं है और लगाया नहीं हुआ हमने, क्योंकि बाद में आप हमारे से इंडिपेंडेंट हाउस परचेज करके कॉलें करो, वो काम रखा ही नहीं, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, क्वालिटी वाला। यहाँ पे माइका है, फंडरमैक्स की शीट है, ये मिल जाएगा बीच प्रोफाइल लाइट, हमने नीचे एलईडी पैनल प्रॉपर, वेंटिलेशन देखो कितनी बढ़िया है। वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आजकल इंडिपेंडेंट हाउसेज में, कम होती है वेंटिलेशन आगे पीछे से, पर आपको यहाँ से भी रोशनी आ रही है देख लो। तभी मैंने थोड़ा सा अभी 5:30 का टाइम है, शाम का टाइम है ये जो वीडियो का रहेगा, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे साइज़ बहुत बढ़िया है इस बेडरूम का, बहुत बढ़िया साइज़ रहेगा, बहुत बढ़िया। फॉल सीलिंग का तो देख ही लिया, साथ में वार्डरोब्स आ जाते हैं, प्रॉपर स्लाइडर रहेंगे, और ये सारा देख सकते हो आप। यहाँ पे हमने वार्डरोब्स का एरिया भी स्पेशियस है, अगर इसको खोल लें तो अंदर बहुत बड़े ड्रॉवर हैं। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग आ जाएगा ग्लास के साथ, अटैच वॉशरूम है, 2x4 की वॉल टाइल रहेगी अंदर, सारी कॉलर एंड जगुआर की बाथ फिटिंग रहेगी, मिक्स हमने लगा रखी है यहाँ पे, जगुआर की यहाँ पे वॉल हैंगिंग शीट है। ये शावर एरिया अलग बना रखा है ऊपर, बीच में हमने ग्लास दिया हुआ है, यहाँ पे भी फॉल सीलिंग हमने करा रखी है बढ़िया। वॉशिंग एरिया देखो बैक साइड का बहुत स्पेशियस है, बू साइड ओपन रहेगी प्रॉपर, और ये देखो आप, ये वुडन जैसे मैंने बताया था एमपीटी का, क्वालिटी देखो आप, ये सारी ग्लॉसी पार्क है, सिरका पॉलिश है, बहुत बढ़िया काम कर रखा है हमने, बहुत ज्यादा जबरदस्त। ये हमारा सेकंड बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, और स्पेशियस है, हमने वार्डरोब्स बेडरूम में रखे नहीं हुए, अलग बनाए हुए हैं, तो ऑब्वियसली यह मास्टर बेड जैसा मर्जी लगाओ, जितना मर्जी बड़ा, ऊंचा चौड़ा लंबा जितना मर्जी लगाओ, तो यहाँ पे स्पेशियस रहेगा। सामने वॉलपेपर है वॉल लाइट्स के साथ, यहाँ पे आपका एलईडी पैनल है, पूरी वॉल पे ही हमने बना दिया, अगर छोटा बनाते तो बढ़िया नहीं लगना था, वैसे हम अपने हिसाब से नहीं चले, आर्किटेक्टर हैं जो हमारे को हर चीज़ की डिज़ाइनिंग का हमारे को काम दिया है वैसे ही हमने किया, माइनस प्लस कुछ भी नहीं किया, उनकी खुद की विजिट रही है हफ्ते में 2 बार, जब तक ये इंडिपेंडेंट हाउस रेडी नहीं हुआ तब ये सारा हमने काम कंप्लीट किया हुआ। और इसकी बात कर लें तो यहाँ पे अटैच वॉशरूम, शावर एरिया, बीच में ये ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जगुआर का सारा, जगुआर की आपको टैप्स मिल जाएंगी, शावर मिल जाएगा, ये सारा एरिया सीट का, वॉल हैंगिंग सीट है ऊपर तक, हमने 2x4 की वॉल टाइल लगा रखी है, डिज़ाइनर है सारी टाइल, वेंटिलेशन के साथ है। सामने वार्डरोब्स एरिया भाई, सबसे पहले ये आ जाता है हमारा ड्रेसिंग का, तो बहुत बढ़िया बना हुआ है माइका, एंड यहाँ पे वैसे हमने कबर्ड्स के ऊपर हमने डिको कर रखा है वाइट, पीछे हमारा जो ये शीट रहेगी छोटी छोटी आपको दिख रही है बैक साइड पे, प्रोफाइल लाइट भी लगा रखी है, बीच में हमने ये क्या बोलते हैं इसको वॉलपेपर लगा रखा है, ऊपर हमने ये बहुत बड़ा ग्लास दिया हुआ आपको। यहाँ पे आपके वार्डरोब्स आ जाएंगे और स्लाइडर रहेंगे, ये बीच में देखो आप, इसके ऊपर भी पॉलिश कर रखी है, बीच में भी प्रोफाइल लाइट है सारी, अंदर आपको रोशनी दिखेगी, बॉक्सेस बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे आपको इसके बीच में भी प्रोफाइल लाइट है, बहुत बड़े कबर्ड्स हैं। है बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया हाउस है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एक विला में 22 कॉलम है, 2 फिट 2x9 इंची के, 2 फिट इनकी चौड़ाई है, ये 2 के हैं और इधर से 9 इंची है, ये सारी 9 इंची है, 2 फिट बाई 9 इंची के हमने पिलर दिए हुए हैं 22 टोटल, जितने विंडो चौगट्ठे दरवाजे हैं सबके ऊपर डोर बीम दिया हुआ है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने बताया हर चीज़ ब्रांडेड कंपनी की। स्टेयर एरिया हमारा सारा वुडन का रहेगा, स्टील का रहेगा, यहाँ पे हार्ट टफन लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने ग्रेनाइट लगा रखा है, अच्छी क्वालिटी का डबल ग्रेनाइट लगा रखा है, और ये हमारा झूमर आ जाएगा स्टेयर एरिया में, वो टॉप फ्लोर जो है दिख रहा है झूमर, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो दूसरी मंजिल का लेंटर है, वहाँ से स्टार्ट किया प्रॉपरली। स्टेयर एरिया बहुत स्पेशियस है,
यहाँ से देखो हमारे हाउस की लुक का। दो भाई हैं तो फर्स्ट फ्लोर भी आपको ऐसा नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर पे कुछ काम कर दिया, फर्स्ट फ्लोर पे डिजाइनिंग का कुछ छोड़ दिया है, ऐसा सिस्टम हमने बिल्कुल भी नहीं रखा है। फॉल सीलिंग के डिज़ाइन से ही आप हिसाब लगा सकते हो, ये लाइटिंग के हिसाब से जो हमने कर रखा है काम, यहाँ पे झूमर के हिसाब से 10 फिट का झूमर है, यहाँ पे हमने कोई भी अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी है। इसको आप डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस एरिया में, यहाँ पे भी आपको झूमर एरिया मिल जाएगा। फॉल सीलिंग में हमने टीक यूज़ कर रखी है पॉलिश के साथ, जैसे मैंने बताया था ये पिल्लर है उनके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग कर रखी है, और ये हमारा नीचे से सारा दिखेगा ऊपर तक। अगर आप नीचे के किचन में आवाज़ लगाओगे तो यहाँ पे भी हॉल में भी थोड़ी बहुत आवाज़ आराम से आपकी आएगी, मतलब ऐसी वेंटिलेशन बनाई है, साउंड वेंटिलेशन भी बहुत, हर चीज़ का हमने ध्यान रखा हुआ है। बाकी लेआउट था जैसे मैंने बताया था, लेआउट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा इस कोठी का, वही चीज़ है। ये हमने राउंड शेप में जो अपनी इसने एक शेप होती है उसमें हमने ये प्रोफाइल लाइट ऊपर टीक का वर्क है, बीच में पॉलिश है, फॉल सीलिंग के डिज़ाइन ही बहुत ज़बरदस्त है। बाकी यहाँ पे भी सारी लाइटिंग का काम है, ऊपर सारा झूमर है। स्टेयर एरिया नीचे से देखें बहुत स्पेशियस लगेगा आपको, हर चीज़ बढ़िया लगेगी। बाकी यहाँ पे ये पूजा रूम है अपना, ये पूजा रूम बना रखा है, ओपन एरिया रहेगा प्रॉपरली। ये शीटें हैं ऊपर, डिको है बीच में, ग्लॉसी की शीटें हैं, ये हमने लाइटिंग कर रखी है। यहाँ पे आपको पूजा रूम दिया हुआ है, यहाँ पे वॉलपेपर वेंटिलेशन रहेगी पूजा रूम की, यहाँ से भी आपकी वेंटिलेशन रहेगी इस एरिए की प्रॉपर, वो तो फिक्स रहेगी उधर, यहाँ की वेंटिलेशन इस एरिए की रहेगी। बालकनी, बालकनी बाहर से दिखा देता हूँ, बालकनी बहुत ज़्यादा स्पेशियस रहेगी अपनी फर्स्ट फ्लोर की। 2x4 की वॉल टाइल लगा रखी है यहाँ पे भी हमने, और कजारिया की वॉल टाइल रहेगी जितनी भी लगी हुई है, जैगुआर की बात फिटिंग है, और ये हमने हाइट पे लगा रखे हैं, जैसे ये बहुत कम हाइट पे लगे हुए होते हैं हाउसेस में, वो जो आगे बेडरूम है उधर उसकी बालकनी आगे दी हुई है। यहाँ से अपना एरिया देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है, क्योंकि 275 गज बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं 275 गज आसपास हाउसेस। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई दी है कि आसपास का सिस्टम बढ़िया चाहिए हर कस्टमर को। यहाँ पे हमारी ये बालकनी ख़त्म हो जाती है, ऊपर ये सारा हमारा ग्रिलिंग का काम है वहाँ तक किया हुआ है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, पूरी एल शेप में घुमा हुआ है। आ जाओ जल्दी, रेट मूव में हो चुका है आपका ये हाउस, मेरे को पता है आप देख रहे होंगे, जो जो मेरी कस्टमर नया पुराना मेरी कस्टमर वीडियोस देख रहे होंगे, जो हमारी ये प्रॉपर्टी की वीडियो देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा होगा, क्योंकि एक महल है, हाउस नहीं है महल है, और बहुत स्पेशियस है। अगर 2-3 ब्रदर हैं तो आराम से इस हाउस में आराम से रह सकते हैं, उनको ऐसा नहीं है अलग अलग हर जगह अपना हाउस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। एयरपोर्ट रोड मोहाली का आपको हाल पता ही है, आज के टाइम में क्या सिस्टम हो रखा है एयरपोर्ट रोड मोहाली का। सबसे पहले LED पैनल है, स्पेशियस बेडरूम है, फॉल सीलिंग के डिज़ाइनिंग इसके अलग रहेंगे, वुडन का काम रहेगा, इसकी भी बात कर लेते हैं, वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है। एयरपोर्ट रोड मोहाली का सिस्टम इतना ज़्यादा, अभी अगर आपने देख लो अभी एरो सिटी में, एरो सिटी की चलो मैं बात कर लेता हूँ, मोहाली का इस टाइम पे सबसे सबसे कॉस्टली एरिया है, उसकी बात करूँ तो वहाँ पे सिस्टम क्या चल रहा है अभी, वहाँ पे आप मानोगे नहीं, वहाँ पे अगर आपने 250 गज का प्लॉट चाहिए आपको तो 3.5 करोड़ रुपए का 250 गज का प्लॉट है आगे आगे। यहाँ पे आपको इतने पैसों में घर मिल जाते हैं। हम बैठे हैं VR पंजाब मॉल के पास, TDI के पास, अरिस्टा होटल की लोकेशन आप सर्च करना कभी भी, अरिस्टा होटल, एयरपोर्ट रोड पे प्रॉपर बैठे हैं। चंडीगढ़ भी हमारे पास में रहेगा 2 किलोमीटर पे, खरड़ भी अपने पास में है 8 किलोमीटर, खरड़ दूर है, एयरपोर्ट रोड पे तो बैठे हैं हम। न्यू चंडीगढ़ हमारी सी हमारी बैक में पड़ जाता है कम से कम 6 किलोमीटर आगे हमारी मेन एंट्रेंस से, तो वो चीज़ रहेगी। तो बहुत बढ़िया है हाउस, इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी और का होता तो 3.8 करोड़ का इसका रेट होता, पर हमने बढ़िया इसका प्राइस रखा हुआ है, बहुत जेन्युइन जायज़ प्राइस रखा हुआ है, 3.10 करोड़ का ये हाउस हम आपको दे देंगे, उसमें भी बढ़िया आपको डिस्काउंट कर लेंगे थोड़ा बहुत ऑन टेबल जो हमारे जितना आपके लिए कर पाए। यहाँ पे फॉल सीलिंग है, यहाँ पे आपके वार्डरोब्स आ जाएंगे, ये डोर वाले रहेंगे, और एरिया स्पेशियस है,
यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ड्रेसिंग आ जाएगा, अटैच वॉशरूम है, 2x4 की वॉल टाइल रहेगी, फॉल सीलिंग बढ़िया, शावर एरिया अलग से है, बीच में जितने वॉशरूम हैं सब में हमने शावर एरिया बना के ये ग्लास लगाया हुआ है, अलग ही किया हुआ है शावर एरिया, और वो सीट एरिया ये शावर एरिया रहेगा प्रॉपर। बैक बालकनी भी दिखाऊंगा, फर्स्ट फ्लोर में सर्वेंट रूम बना हुआ है, तब हमारा होता है ये BHK, जो कंप्लीट 5 BHK। यहाँ पे फॉल सीलिंग के डिज़ाइन, यहाँ पे हमने जाने के लिए पीछे बालकनी में जाने के लिए है, और ये हमारी एल शेप में मॉडलर किचन आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे बहुत स्पेशियस एक बेडरूम आ जाएगा, मास्टर बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत बड़े हैं, यहाँ पे इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे जैसे मर्जी साइज़ का बेड लगा सकते हो। यहाँ पे जो फ्लोर टाइल लगी हुई है फर्स्ट फ्लोर पे, वो सारी ग्लॉसी रहेगी, कजारिया के रहेगी, 3x7 की फ्लोर टाइल रहेगी, LED पैनल का साइज़ देख सकते हो आप, वेंटिलेशन मैंने बाहर से बालकनी दिखाई दी है इसकी, बालकनी स्पेशियस है अपनी। यहाँ पे बेडरूम का साइज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा, फंडरमैक्स की शीट है, वॉलपेपर लगा हुआ है, वॉल्स लाइट लगी हुई हैं, अच्छी क्वालिटी की हैवल्स की हमने लगा रखी हैं यहाँ पे, वैसे ये ज़्यादातर चाइनीज़ आती हैं पर हमने सारी कंपनी की लगा रखी हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्रेसिंग सबसे पहले विद प्रोफाइल लाइट, आपको लाइट जगाने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से अपने आप को आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ये अटैच वॉशरूम, यहाँ पे भी हमने एक हार्ट टफन लगा रखा है, शावर एरिया अलग है, यहाँ पे आपको वॉल हैंगिंग सीट, और ये अपने वार्डरोब्स आ जाते हैं जो स्पेशियस रहेंगे, बढ़िया स्लाइडर रहेंगे, और अंदर भी माइका वर्क रहेगा, ये जितने भी बॉक्सेस हैं नीचे ड्रॉ हैं सबके बीच में हमने प्रोफाइल लाइट दे रखी है कि आप आराम से अपना कर सको, कोई भी सामान आपने निकालना है तो। फर्स्ट फ्लोर भी बहुत वेंटिलेशन भी स्पेशियस है, विंडोज़ आपने देखी नहीं है, ग्लासेस, हार्ट टफन हर जगह आपको लगा हुआ है, लग्जरी आपको इंटीरियर दिख रहा होगा, झूमर एरिया फर्स्ट फ्लोर पे इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है, अगर यहाँ पे हम सोफ़ा सेट भी रख देंगे इस एरिया में तो हमारे को बहुत अच्छी फील आएगी, क्योंकि लाइटिंग का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे सिस्टम कर रखा है, सीलिंग में भी लाइटिंग है, प्रोफाइल लाइट वगैरह है, यहाँ पे आपको सामने मिल जाएंगे झूमर दो दो, तो सिस्टम बहुत अलग रहेगा। अभी बैक साइड की बालकनी दिखा देता हूँ, ये स्पेशियस बालकनी रहेगी, वेंटिलेशन बैक साइड है, बूथ साइड अपनी ओपन रहेगी कोठी की, यहाँ पे अपनी स्पेसियस रहेगा, फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर, टॉप फ्लोर की सॉरी, अंधेरे में कॉर्नर से तो आपको वेंटिलेशन मिलेगी, मतलब रोशनी बढ़िया रहेगी, डे में आपको सारी रोशनी स्टेयर एरिया में ऊपर से आएगी नीचे तक। यहाँ पे छज्जा हमने बहुत आगे तक निकाल रखा है, सर्वेंट रूम रहेगा ऊपर, अटैच वॉशरूम किचन के साथ, ये हमारा सर्वेंट रूम है, बाहर से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे फंडरमैक्स का बहुत ज़बरदस्त हमने काम करा रखा है, बाकी आप देख ही लिए आपने सारी वीडियो, मेरी तरफ से जी गुड विशेस रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले भाई, सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई जमा पूंजी लगानी है, चाहे 100 गज की कोठी हो, 150 गज की हो, 400 गज की हो, 4000 गज की हो, बहुत मुश्किल से कोई पैकेज बिजनेस बंदा अपना बिजनेस बनाता है, बहुत मुश्किल से उस स्टेज पे आते हैं कि एक अच्छी चीज़ परचेज कर सकें, अपनी मेहनत की कमाई जमा पूंजी लगानी होती है, अच्छे से विजिटें करो, जब 4-5 चीज़ें देख लोगे उसमें से गुड ऑप्शन निकल के खुद ही आपके सामने आ जाएगी, चाहे वो कोई सी भी हो, हमारी प्रॉपर्टी हो किसी की भी, मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी। बालकनीज देखो आप, ग्राउंड फ्लोर की स्पेशियस रहेगी बैक साइड की, और ऐसा सिस्टम है कि अगर आप विजिटें करोगे, मतलब अगर आप आपने विजिट करना आना है, तो मैं आपको एक छोटी सी बेनती रिक्वेस्ट करता हूँ, लोकल बंदे के साथ कम आओ, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा कम आओ, ये मेरी तरफ से एडवाइस है, अच्छी चीज़ भी आपके हाथों में से निकल जाती है। और दूसरी बात रही, अपने रिलेटिव के साथ भी नहीं आना है, अपनी फैमिली के साथ आओ, जो लोकेशन आपको बढ़िया लगती है, हर चीज़ का ज्ञान होता है, यहाँ पे बिजनेसमैन बंदा रह रहा होता है, दिल्ली से किसी ने शिफ्ट करना है कुछ है, चंडीगढ़ के बारे में, हर सेक्टर के बारे में आप लोगों को सबको पता ही है लगभग, तो कुछ भी करना है तो खुद करो, फैमिली के साथ अच्छे से विजिट करो, 5-10 चीज़ें जब आप देखोगे, हमारी नहीं किसी की भी, उनमें से गुड ऑप्शन निकल के खुद ही सामने आ जाएगी,
वो बस आपने चूज करनी है। तो एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी, मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी, जहाँ से सर्च करो बेस्ट प्रॉपर्टी मिलेगी। नमस्ते।